कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत की खुशी लातेहार के कांग्रेसियों ने समारोह गेट के समीप कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। कार्यकर्ताओं ने खूब आतिशबाजी भी की। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव लातेहार पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ जीत की खुशियां मनाई, मिठाई खिलाकर सभी को जीत की शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जनता का अपार प्यार का नतीजा है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उन्होंने कहा कि जनता अब जुमले वाली बात पर नहीं आने वाली है। कर्नाटक के चुनाव में आगामी होने वाला लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। देश में परिवर्तन का ब्यार बह रहा है। जिला अध्यक्ष मुनीश राव ने कहा कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव काफ़ी अहम था। यह जीत से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आफताब आलम ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी में जो विश्वास दिखाया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र की मोदी सरकार की जुमलाबाजी अब चलने वाली नहीं है। मीडिया प्रभारी पंकज तिवारी ने कहा कि यह जनता का प्यार है कि कांग्रेस को बहुमत की सरकार बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित कुमार यादव ने कहा कि देश में केंद्र सरकार के तानाशाही रवैया के कारण लोग आक्रोशित हैं। देश में बदलाव होना जरूरी है। विधायक प्रतिनिधि हरिशंकर यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है इस इलेक्शन में, फिर भारत में हमारी वापसी होगी, कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी, फिर देश के लोगों को हम सेवा करने का मौका हमें मिलेगा, देश के लोग देखेंगे। कर्नाटक चुनाव के आगामी लोकसभा चुनाव में भी कुछ टिकट डालेगी? मैंने कहा ना कि शुरुआत है, इसका रिपीटेशन होगा, पूरे देश में होगा, और फिर जनता हमें 2024 में सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक में प्रचंड जीत हुई है, इस पर बताइए यहाँ कैसी किस तरह की खुशियाँ मनाई जा रही है, बताइए। जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस जीतती है तो हम लोगों को खुशी होता है, सभी कार्यकर्ताओं में जान आता है। कर्नाटक की प्रचंड जीत ये बताता है कि 2024 जो है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में, कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। जिस तरह से चुनाव को मैनुपेट किया जा रहा था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण था। जब बजरंग दल की बात होती थी तो इसी तरह बजरंग बली में ले जाते थे। हालांकि ये बजरंग बली का आशीर्वाद है कि कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीती है, और आगे हम लोग मशक्कत करते रहेंगे। आपको जानकारी होगा, जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, सिर्फ बीजेपी के लिए प्रचार करते हो, भारत का प्रधानमंत्री नहीं, वो ऐसा लगता है सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री है। अभी तक लगभग वो 550 रैली कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं लगभग वो 5000 छोटी बड़ी सभाएं किए हैं। बताइए, ये अपना 9 साल के कार्यकाल में लगभग 6 साल से प्रचार में निकाला है ये आदमी, ये क्या करेंगे देश के लिए? जो मुद्दे पे आए थे सारे मुद्दे पे इनके विफल हैं, इसीलिए जनता सबक सिखा रही है। कर्नाटक झांकी है, पूरा देश में 2024 में इनको उखाड़ के फेंकेगी जनता।